उनके पिता ने भी उन्हें उस दौर में शिक्षित किया जो लड़कियों को पढ़ना आम बात नहीं थी और समाज के अनेक लोग इसका विरोध भी करते थे। उनका जीवन महिला सशक्तिकरण का उत्तम उदाहरण है। उन्होंने अपने जीवन और शासन काल में महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक नवीन और सफल प्रयास किए हैं। उन्होंने जनजातीय समाज की आजीविका को सुनिश्चित करने के लिए भी निर्णय लिए और उनके विकास के लिए अनेक कार्य किए थे। ये सब को ज्ञात है कि देवी अहिल्याबाई ने राज्यों के कुशल प्रशासन, न्याय परायणता एवं कल्याणकारी कार्यों में कई मानक स्थापित किए थे। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि महिलाओं के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं आध्यात्मिक सभी क्षेत्रों में सक्रिय होकर क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं। उन्होंने अपने आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प से वे रास्ते बनाए जिन पर आज हम सुगमता से चल रहे हैं। उनकी ख्याति देश ही नहीं विदेश तक भी फैले थी। स्कॉटलैंड की कवियत्री जोआना वेली की लेख लिखी है कि एक कविता मेरे संज्ञान में लाई गई है। ये कविता बहुत लंबी है लेकिन इसकी दो पंक्तियां मैं यहाँ कहना चाहूंगी। इनसे महारानी अहिल्याबाई का हृदय की उदारता और उनका व्यक्तित्व सर्वत्र सम्मानित होने का पता चलेगा। काइंड वाज हर हार्ट एंड ब्राइट हर फेम एंड अहिल्या वाज हर ऑनर्ड नेम। मैं लोकमाता देवी अहिल्याबाई की स्मृति को सादर नमन करती हूँ। ये महारानी अहिल्याबाई के आदर्शों के अनुरूप ही है कि आज इस विश्वविद्यालय में पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में बेटियों की संख्या बेटों से अधिक है। सभी बेटियों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई। ऐसे नहीं कि मैं बेटों को बधाई नहीं देती। मुझे विश्वास है कि आप जीवन के सभी बाधाओं को पार करते हुए अपना रास्ता खुद बनाकर आगे बढ़ेंगे और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। यहाँ की पूर्व छात्रा और लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन जी ने जनसेवा और लोकतंत्र में योगदान देने का अत्यंत प्रभावशाली उदाहरण प्रस्तुत किए और आज हमारे बीच में है। मैं उनको सादर नमन करती हूँ। इन विश्वविद्यालय के सभी विद्यार्थियों के लिए ये प्रेरणा के स्रोत है। मैं सभी शिक्षण संस्थानों और शिक्षकों को कहना चाहूंगी कि बेटियों को उच्च शिक्षा हासिल करने और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित करें, क्योंकि